आपको ये है आपके सामने मारुति सुजुकी डिजायर, जिसका LXI वेरिएंट है, मतलब कि बेस वेरिएंट, और इसका कलर जो आप देख रहे हो ये है इसका स्प्लेंडेड सिल्वर कलर। और बेस वेरिएंट अगर आप इसका प्लान कर रहे हो या फिर कोई सेडान आप प्लान कर रहे हो जिसमें आपका बजट है 8 लाख से नीचे नीचे ऑन रोड प्राइस पे, तो ये गाड़ी आप प्लान कर सकते हो। ये आपको एक शोरूम कॉस्ट करती है 6.51 लाख रुपीज, और ऑन रोड कीमत की बात करें तो कहीं ना कहीं 7.5 लाख के आसपास से आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। अभी अगर आपको सेडान चाहिए और कॉम्पिटिशन में कुछ ऐसा सर्च आप कर रहे हो कि भाई जिसकी रीसेल हमें अच्छी मिल जाए, ट्रस्ट फैक्टर अच्छा हो और मार्केट में दिखे और गले की हड्डी ना बने, तो अभी गाड़ी आप प्लान कर सकते हो डेफिनेटली। क्या क्या चीज़ इसका बेस वेरिएंट आपको ऑफर कर देता है वो आपको बताते हैं। प्राइस मैंने आपको बता दिया, चाबी कुछ इस तरीके की यहाँ पे मिलती है, नॉर्मल सी कीज है, यहाँ पे कुछ सेंटर लॉकिंग नहीं है। बाकी ये सुजुकी का प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आपको वो फ्रीडम मिल जाती है, अपना वो लगवा सकते हो। बहुत सारी एक्सेसरीज आपको शोरूम से मिल जाती है, सेंटर लॉकिंग आप लगवा सकते हो। इसको रख लेते हैं अभी पॉकेट में। प्रोडक्ट की हम बातचीत करें तो ये है गाड़ी की डायमेंशन वगैरह देख लेना, कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। फ्रंट से भी स्टार्ट करें तो यहाँ पे जो सेटअप है हेलोजन सेटअप आपको देखने को मिलता है हेडलैम्प्स के अंदर। यहाँ पे पार्किंग बल्ब हेलोजन है, ये हेलोजन है, और इंडिकेटर भी यहाँ पे हेलोजन बेस ही आपको मिलेगा। लेआउट्स आपको मिल जाते हैं बेस वेरिएंट के अंदर, सो यहाँ पे आपको ये फ्रीडम मिल जाती है कि आप यहाँ पे प्रोजेक्टर चाहो वो प्रोजेक्टर वाला सिस्टम करा सकते हो, जो कि आजकल ट्रेंड में है, काफ़ी हैवी हैवी प्रोजेक्टर्स लोग लगवाते हैं। बाकी जो बेसिक अपने फॉग लैंप्स आते हैं वो भी आप यहाँ पे लगवा सकते हो। ये सिल्वर अलग है, ये सिल्वर अलग है, डिफरेंस आप देख सकते हो स्प्लेंडर सिल्वर और नॉर्मल सिल्वर के अंदर कितना फर्क होता है। काफ़ी बड़ा सा इसका माउथ आपको मिलता है, ये पूरा एयर इनटेक के लिए। काफ़ी बड़ी सी यहाँ पे ग्रिल मिलती है, सुजुकी का लोगो है, नंबर प्लेट आएगी यहाँ पे, और ये थी सामने की बातचीत। अभी आते हैं साइड में, तो ये देख लो उसकी साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। तो ये है जी, यहाँ पे स्टील व्हील्स आपको मिलते हैं, और जो स्टील व्हील्स हैं इनके ऊपर कोई व्हील कैप्स नहीं आएंगे, और ये कुछ इस तरीके के सिल्वर कलर के ही स्टील व्हील्स आपको मिलेंगे। अगर व्हील कैप होते तो ये जो है ब्लैक पेंटेड होते, बट ये सिल्वर है। और यहाँ पे सुजुकी का एक छोटा सा कैप आपको मिल जाएगा। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी। इसके टायर सेक्शन की बात करें तो ये जेके के टायर हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और टायर सेक्शन जो है वो है 165 ATR 14, 14 इंच के स्टील व्हील है ये। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 163 mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको ऑफर कर देती है, डिसेंट ही बोलूंगा मैं इसको, ना ज्यादा ना कम। बाकी इंडिकेटर जो है वो फेंडर पे आ जाता है अगर आप LXI वेरिएंट लेते हो, अगर VXI की तरफ जाते हैं तो वो फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से फीचर जो डिवाइड किए हुए हैं, ये मतलब इनके पास बहुत बढ़िया टेक्निक है, ये कंफ्यूज नहीं करते हैं कस्टमर्स को कि आपको LXI VXI ऑप्शन वगैरह 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 कुछ ऐसे करके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करते हैं। LXI मतलब बेस, VXI मतलब मिड, और ZXI मतलब टॉप। तो ये कुछ इस तरीके से सिंपल है सारी चीजें। ये LXI है, मैट ब्लैक अपने ORMs है, और यहाँ पे अपना मैट ब्लैक डोर हैंडल्स है। इनके ऊपर आपको डेफिनेटली कुछ कराना पड़ेगा क्योंकि कलर के ऊपर ये अच्छे नहीं लग रहे हैं बिल्कुल भी। यहाँ पे बॉडी कलर पिलर्स आपको मिलते हैं, ये मैट ब्लैक नहीं है, प्लेन विंडोज हैं, कोई रूफ रेस नहीं है, नॉर्मल यहाँ पे एक एंटेना आपको मिल जाएगा। और पीछे की साइड आते हैं तो कुछ इस तरीके की दिखती है, और पीछे की साइड चलते हैं, यहाँ पे स्टॉप लैंप है, डिफॉगर वाइपर नहीं आता सेडान के अंदर, और ये पीछे से कुछ ऐसी दिखती है। डिजायर यहाँ पे मेंशन है, सुजुकी का लोगो, मतलब एक खासियत तो है इसकी, अगर पीछे से कोई देखेगा तो बता नहीं सकता है कि मतलब बेस वेरिएंट है फिर कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ये LED सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर्स हैं, नंबर प्लेट यहाँ पे आएगी, और कोई कैमरा वगैरह है नहीं है। यहाँ लेफ्ट साइड से डलेगा पेट्रोल, और ये है सारी चीज़ें। और बूट आपको एक सेकंड खोल के दिखा देता हूँ उसका, आई गेस यहाँ पे बटन मिलनी चाहिए, जी नहीं तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ अंदर से फटाफट से। सो अभी बात करें गाड़ी के बूट के बारे में, तो सारी चीज़ें कवर्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये देख सकते हो आप, कुछ भी एक्सपोज नहीं हो रहा है यहाँ पे, और अच्छी डीप स्टोरेज आपको मिल जाती है यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट 378 लीटर्स के आसपास की। ये कवर्ड नहीं है, बाकी ये नीचे से पूरा कवर्ड है। यहाँ पे CNG का ऑप्शन आता है इससे ऊपर वाले वेरिएंट में, और यहाँ नीचे स्पेयर व्हील है जो कि सेम टायर है 165 ATR 14, और ये JK का टायर है, और ये कुछ इस तरीके का स्टील व्हील आएगा। टूल किट वगैरह सारी चीज़ें आएंगी, वो जब आएंगी जब गाड़ी का डिलीवरी का टाइम आएगा। सो ये हैं सारी चीज़ें यहाँ से, और अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, और ये डोर में एक बार लॉक कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में दिक्कत देगा, ये आवाज़ आएगी अंदर बीप की। सो अभी चलते हैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ, और यहाँ की बातचीत करते हैं। सो ये देखो भाई, रिच लगती है बेस वेरिएंट से, मतलब बेस वेरिएंट से ही आपको बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो कि आपने VXI वेरिएंट में भी देखा होगा, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने वीडियो डाली थी। तो ये जो रिचनेस है ये आपको बेस वेरिएंट से ही मिलती है, ऐसा नहीं है कि बेस मॉडल सब कुछ ब्लैक दे दिया। यहाँ पे डोर पैनल अपना जो है पूरा का पूरा ही बेज है, मतलब एक सिंगल चीज़ यहाँ पे ब्लैक नहीं है। इवन यहाँ पे डोर लिवर की बात करें या फिर इस लिवर की बात करें, सब कुछ यहाँ पे बेज है। स्पीकर वगैरह नहीं आता क्योंकि इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं, बाकी लेआउट्स आपको मिल जाते हैं, बोतल होल्डर वगैरह सारी चीज़ें हैं।
फोर वे मैनुअल एडजस्टेड सीट है, बाकी ये फैब्रिक सीट्स है और ये बेज में ही है। यहाँ पे फ्यूलिड खोलने का लेवर है, ना बूट खोलने का लेवर है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है, लाइट लेवलिंग डायल है, बोनट खोलने का लेवर है, नीचे की साइड तीन पैडल्स हैं, एक्सेलरेशन ब्रेक क्लच, डेड पैडल के लिए अलग से यहाँ पे प्लेसमेंट भी आपको मिल जाती है। अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर और बेस वेरियंट के हिसाब से कितनी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। थर्ड एक नंबर आती है बढ़िया, और फील बड़ी मतलब ऐसी एरी सी फीलिंग है, खुली खुली सी, ऐसा सफोकेशन जैसा कुछ फील नहीं हो रहा है यहाँ पे, बढ़िया खुला खुला सा फील हो रहा है। और सामने से रिफ्लेक्शन आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बिल्कुल सामने की धूप है एकदम। और ये है चाबी, ये आपको ऑन करके दिखा देता हूँ मैं एक बार, यहाँ से डलेगी चाबी, एक बार इसको ऑन कर दूंगा स्टेयरिंग व्हील अपना अनलॉक हो जाएगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे नहीं आता है, बाकी ये फ्रीडम आपको मिल जाती है, आपका मन करे तो आप जैसा चाहो जहाँ से चाहो लगवा सकते हो। बाकी सेकंड टाइम जब इसको ऑन कर देता हूँ तो ये लो जी क्लस्टर हो चुका है ऑन, और ये देखो कुछ इस तरीके से चले गए। यहाँ पे कोई RPM मीटर नहीं है, ये जस्ट यहाँ पे आपको स्पीड दिखेगी, 200 की टॉप स्पीड मार्किंग यहाँ पे है। नीचे की साइड यहाँ पे जो पेट्रोल के इंडिकेशन है वो है, और इकोनॉमी वगैरह जो वो दिख जाएगी, अपना ऑडो ट्रिप ए वगैरह वो दिख जाएगी, बाकी जो इमरजेंसी लाइट्स हैं वो आपको साइड बाय साइड दिख जाएंगी। और ये स्टिक्स आते हैं जिसके थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ये साइड रीसेट कर सकते हो। और यहाँ जाते हैं वाइपर्स के कंट्रोल, यहाँ हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स कंट्रोल है। स्टेयरिंग की बात करें तो फ्लैट बॉटम है, इन हैंड फील जो है काफी अच्छी है, बाकी कंट्रोल्स वगैरह कुछ नहीं है। एयरबैग यहाँ पे आपको बैरिंग मिल जाती है। एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है बेस वेरियंट के अंदर, बाकी फेसलिफ्ट भी इसका आने वाला है, पता नहीं कब तक आएगा। बाकी अगर आपको ये चाहिए तो अभी आप जा सकते हो इसकी तरफ, तो कहीं कहीं पर आपको 2023 वाले वेरिएंट भी मिल जाएंगे, तो उनके अंदर क्या है कि आपको डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। बाकी फेसलिफ्ट भी आने वाला है, वेट कर सकते हो तो वेट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डैशबोर्ड की बातचीत करेंगे एक सेकंड में। पूरा हेडलाइनर देख लो आप, पूरा का पूरा बेज है, मतलब इतनी खुली खुली फील हो रही है, बढ़िया एकदम गजब। और इंसुलेशन काफ़ी अच्छी है, कोई नॉइस अंदर नहीं आ रही, काफ़ी साइलेंट केबिन है अगर मैं बात करूँ तो। बाकी इंजन भी इसका काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, तो उसकी वजह से केबिन ऑल द टाइम मतलब आपको साइलेंट सा ही फील होगा। यहाँ पे कोई वैनिटी मिला नहीं है, एयरबैग यहाँ पे सिर्फ आपको बैजिंग मिलेगी, अपना एक नॉर्मल सा IRVM है, इधर की साइड कोई टिकट होल्डर वगैरह नहीं है। ये है डैशबोर्ड का व्यू, बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। ये यूनिट आपको खाली मिलती है, हेजर लाइट के बटन है बीच में, इन वेंट्स के ऊपर आपको सिल्वर थोड़ी एक लाइन मिल जाएगी, बाकी ये वाले जो है ये तो बेज में ही है। नीचे साइड ये यूनिट खाली है, एसी के कंट्रोल से मैनुअल एसी आता है यहाँ पे, और नीचे साइड एक पे होगा चार्जिंग सॉकेट भी है, स्पेस वगैरह है। यहाँ पे कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, 5-speed का मैनुअल गियर लीवर है, शिफ्टिंग काफी अच्छी है, मैं पर्सनली ड्राइव करता हूँ ये वाला गियर वो। और यहाँ पे हैंड ब्रेक अपना बेज टिप के साथ ही, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। ग्लो बॉक्स की बात करें तो डिसेंट स्पेस यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। बाकी ये है सारी चीजें, कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कॉमेंट्स में। इसकी रेयर स्पेस दिखा देता हूँ, क्योंकि सेडान है और आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे इस गाड़ी को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग। क्यों प्रेफर करते हैं? इसके कंफर्ट की वजह से। वो कंफर्ट कहाँ है? वो पीछे है, तो वो दिखा भी देता हूँ, फील भी करके देख लेते हैं एक बार कि कैसा कंफर्ट है और आपको बता देते हैं। सो अभी बात करते हैं गाड़ी की रेयर सीट के बारे में, और रेयर सीट की बातचीत करें उससे पहले डोर पैनल देख लो, सारी चीज़ें सेम है, मतलब कुछ भी यहाँ पे ब्लैक हाईलाइट नहीं है, सब कुछ बेज है। ये लेवर ये सब कुछ यहाँ पे है बेज बेज। यहाँ पे बूट लोडर की स्पेस आपको मिल जाती है, लेआउट्स मिल जाते हैं, स्पीकर के लिए आप चाहो तो इंस्टॉल करा सकते हो। टूल किट वगैरह जो है यहाँ पे रखी हुई, जो कि बूट में होनी चाहिए थी अभी, और ये रखी जाएगी बूट के अंदर ही, क्योंकि अभी शोरूम के अंदर गाड़ी खड़ी है, सो चक्कर में यहाँ पे रखी हुई है। और इसको एक सेकंड मन कर लेते हैं। सो भाई देखो, जिस लिए आप ये गाड़ी लोगे वहाँ तो ये आपकी जो जरूरत है पूरी फिलफुल कर देगी। स्पेस कंफर्ट बहुत गजब का है, मतलब ये देख लो आप लेग रूम कितना, पूरे पैर भी अगर मैं फैला लेता हूँ, ये देखो टूल किट गंदी नहीं करूंगा, पूरे पैर भी अगर मैं फैला लेता हूँ तो फिर भी इतना ही है। और यहाँ पे जो हेडरेस्ट आप देख रहे हो ये चारों के चारों सीट्स के अंदर इंटीग्रेटेड है। सीट बेल्ट तक आपको ये बेज कलर की मिलती है, यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। एक दो तीन गैप हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, एक कॉमन लाइट आती है जो कि बीच में आगे वाली और पीछे वाली रो के लिए, और ये आपको येलो कलर की मिलेगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक बोतल होल्डर है, हम्प जरूर है, बाकी तीन बंदे बैठ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं भाई, कंफर्टेबल है भाई सीट, नो डाउट, मजा आ जाएगा आपको बैठ के। और ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, ये देखो एक बार। यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कमेंट्स में। अब इसका इंजन कंपार्टमेंट आपको दिखा देता हूँ, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है इस गाड़ी के अंदर मुझे, बहुत ही सुपर फाइन इंजन है, मतलब मजा ही आ जाएगा आपको चला के। और जिस तरीके से अभी साइलेंट फील हो रही है, अगर इसको स्टार्ट ही मैं कर दूं तो भी आपको इतनी साइलेंट फील होगी, तो इतना रिफाइन इंजन है वो, उसकी बातचीत एक बार कर लेते हैं। सो अभी बात करते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट के बारे में, जो कि मुझे सबसे शानदार चीज लगती है इस गाड़ी के अंदर, या फिर सुजुकी के लाइनअप में आप बात करते हो 1200cc के इंजन वाली बात, तो ये मुझे सबसे बेहतरीन इंजन लगता है, मतलब इतना रिफाइन है गजब का। उससे पहले
पहले यहाँ पे देख लो इंसुलेशन पैडिंग आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाती है। बाकी यहाँ की बातचीत करें तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है 1.2 लीटर का फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि आपको डेवलप करके देता है 88 bhp 113 nm का टॉर्क, 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, 37 लीटर की 37 लीटर, जिससे आप मान के चलो 22 की माइलेज तो जो है कंपनी क्लेम कर देती है, बाकी उसके आसपास है फिर उससे ज्यादा भी निकाल सकती है। सो ये है आपके सामने इसका इंजन कंपार्टमेंट, ये है इसकी बैटरी, फ्यूल बॉक्स वगैरह है, यहाँ से देगा कूलेंट, वेपर फ्लूइड, ब्रेक ऑयल वगैरह, और नीचे इसकी कवरिंग भी दी हुई है, इंजन प्रोटेक्टर जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। बाकी ये था इंजन कंपार्टमेंट, एक सेकंड इसको बंद कर लेते हैं फिर मिलते हैं फटाफट से। सो ये थे आपके सामने डिजायर, ये इसका LXi वेरिएंट था। अगर आप प्लान कर रहे हो कोई सेडान 8 लाख के अंदर तो ये गाड़ी आप प्लान कर सकते हो डेफिनेटली। सेगमेंट में आज भी कोई भी इसके कॉम्पिटिशन में नहीं है। बात करें सेल्स की, बात करें इसके कम्फर्ट की, बातचीत करें किसी भी चीज में, कुछ चीजों में इससे ज्यादा बेहतर हो भी सकते हैं कुछ गाड़ियां, बट कुछ चीजों में ये गाड़ी किसी को हाथ नहीं देती है, गजब की है। आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना, वीडियो आपको कैसी लगी वो भी बताना कॉमेंट्स में, अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए।